देवी साढ़े साथी का दूसरा चरण और भी कष्टदायक होता है। इसमें व्यक्ति को आर्थिक और मानसिक कष्ट होने लगते हैं और इन दुखों से बाहर निकलने का मार्ग भी नहीं ढूंढ पाता देवी। पर संबंधों में विच्छेद हो जाता है देवी, पति पत्नी का प्रगाढ़ संबंध भी टूट जाता है, उनमें अलगाव और दुराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और व्यक्ति नितांत अकेला हो जाता है देवी। और यही सब राजा हरिश्चंद्र के साथ भी होने वाला था। ऐसे धर्मनिष्ठ और सच्चे व्यक्ति के साथ ऐसा होगा? हाँ देवी, जो जितना बड़ा धर्मनिष्ठ उसकी उतनी बड़ी परीक्षा। कुंदन बनने के लिए ताप सेना आवश्यक होता है देवी, यहां तक कि निर्जीव पत्थर को भी। सजीव भगवान का स्वरूप पाने के लिए छेनी और हथौड़े की मार सहनी पड़ती है। देव, एक जिज्ञासा है मन में। कहिए देवी। जब से मुझ में समझ आई है तब से मैंने लोगों को बहुधा यह कहते सुना है कि जब से हमने पूजा पाठ आरंभ की है हमारे जीवन में कष्ट बढ़ गया है और वह अमुक व्यक्ति जो तनिक भी आस्था नहीं रखता भगवान में वह सुखी है। तो क्या सच में ऐसा होता है कि नास्तिक सुखी रहता है और आस्तिक दुख से घिरा हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है देवी। ऐसा केवल सांसारिक दृष्टि से दिखता है, परंतु सत्य ये है कि ये सब कर्म फल के कारण होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। मैं समझी नहीं देवी। व्यक्ति जब पूजा पाठ आरंभ करता है तो उसकी ईश्वर की ओर जाने की यात्रा आरंभ हो जाती है और वह सही दिशा में अग्रसर हो जाता है, परंतु कर्म फल वो तो सबको भोगना ही पड़ता है देवी। इसलिए देवी, जब कोई व्यक्ति भगवान की पूजा आरंभ कर देता है तो ईश्वर उसके कर्म फल अल्प समय में ही उसके सामने लाने लगते हैं ताकि उसके कर्मों का भोग शीघ्र समाप्त हो जाए और वो मोक्ष की प्राप्ति का पात्र बने। और इसलिए कहा जाता है कि दुख को भी ईश्वर का वरदान समझो। परंतु देव, जो पूजा पाठ नहीं करते वो सुखी क्यों रहते हैं? ये उनके पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल होता है जो उन्हें तब तक मिलता है जब तक उनके अच्छे कर्म फल का प्रभाव उनके जीवन पर रहता है। इसलिए आपने बहुत व्यक्तियों को कुछ वर्षों तक सुख भोगते हुए सुना होगा, परंतु तभी अचानक उनके जीवन में दुखों का अंधकार छा जाता है। और ऐसा इसलिए होता है देवी क्योंकि उनके अच्छे कर्मों का फल समाप्त हो जाता है और बुरे कर्मों के फल का आरंभ। समझ गई। जीवन और जीवन से जुड़े कर्म फल के पूर्ण सत्य को समझ गई मैं। नवाब राजा हरिश्चंद्र की आगे की कथा सुनिए देवी। अब उन्हें साढ़े साथी के दूसरे चरण का प्रभाव मिलने वाला था जो उनके वास्तविक कर्म परीक्षा की घड़ी थी।